ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा घोषित किए गए लॉकडाउन का पालन कराना पुलिस को भारी पड़ रहा है। रसूखदार लोग पुलिस द्वारा रोके जाने पर पुलिस से गाली गलौज और अभद्रता कर रहे हैं। इसी तरह का एक मामला एटा जिले के जलेसर कस्बे में आज सामने आया है, जिसमें एक पुलिस के SSI द्वारा लॉकडाउन में बिना पास के चार पहिया गाड़ी से जा रहे एक अधिवक्ता को रोकने का खामियाजा गाली गलौज और अभद्रता झेलकर भुगतना पड़ा। गाली भी इतनी भद्दी कि उसको हम सुना नहीं सकते। तुम्हारी कसम वकील साहब, तो यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चलो वहाँ पे चौराहे पे। तुम कौन हो? हम जलेसर के नागरिक हैं। तुम नागरिक की तरह रहो ना। हम तुम कौन हो? नौकर हमारे जनता के। दरवाजा कुछ नहीं होता, पहुंचे वहाँ पे चौराहे पे। नहीं आया लाठी निकाल के। वीडियो बना रहे? वीडियो तो मोबाइल में वीडियो बना, तुम मैं बना तो रहा हूँ। एटा जिले में लॉकडाउन का पालन कराना पुलिस को भारी पड़ रहा है। एटा जिले के जलेसर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जलेसर में आज आगरा चौराहे पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने से रोकने पर जलेसर थाने में तैनात पुलिस SSI चंद्रशेखर गौतम और अधिवक्ता लायक सिंह यादव के बीच तीखी झड़प हुई। इस बीच अधिवक्ता ने SSI से जमकर अभद्रता और गाली गलौज की। लॉकडाउन के दौरान बिना पास लगाए चार पहिया गाड़ी से जा रहे अधिवक्ता को SSI द्वारा रोके जाने से पुलिस SSI पर अधिवक्ता बुरी तरह से भड़क गए और अधिवक्ता ने अपने साथी से पुलिस SSI के लिए लाठी निकाल कर लाने को भी कहा। जब SSI ने कहा कि यह तो हमारा काम है, इस पर अधिवक्ता ने SSI से कहा हमें कानून ना सिखाएं, हम कानून ही पढ़ते हैं, और SSI से कहा यहाँ से फुटो चलो अभी, गुंडागर्दी करके रख दी है। जब वकील ने SSI के लिए अपने साथी से लाठी निकालने को कहा तब SSI ने भी अपनी बेल्ट उतारकर हाथ में ले ली। SSI ने की अधिवक्ता के खिलाफ अपने अधिकारियों को सूचित करते हुए कार्रवाई की मांग। SSI चंद्रशेखर गौतम ने बताया कि मैं जलेसर के आगरा चौराहे पर तैनात था और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहा था। उसी समय वहां एक कार आकर रुकी। मैंने पूछा कि आप बिना किसी पास और बिना किसी विशेष आवश्यकता के कहां जा रहे हो? इस पर कार सवार ने कहा कि मेरा नाम लायक सिंह यादव है और मैं ठेठ अहीर हूं, और यहां तू कैसे खड़ा है? अभद्रता पर उतर आए। उन्होंने कहा कि लाठी लाओ, लाठी से दौड़ाओ इसे। अपने बचाव के लिए जो किया जाता है वो मैंने किया। मैंने अपने इंस्पेक्टर साहब को भी बुलाया था, उनको भी बता दिया था, उसने बहुत ही अभद्रता की। जब हम पिछले 22 तारीख से ड्यूटी कर रहे हैं, इसमें हमारा 16 किलो वजन कम हो गया है, इतनी मेहनत से ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने हद ही पार कर दी, बदतमीजी की पराकाष्ठा लांग दी। मैंने अपने अधिकारियों को बता दिया है। चंद्रशेखर गौतम, SSI एटा पुलिस। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट। आगरा चौराहे पे है, मैं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहा था, तब तक ये गाड़ी आगे रुकी। मैंने उनसे पूछा कि आप बिना पास के बिना किसी विशेष आवश्यकता के कहाँ जा रहे हैं? तो कहने लगे मेरा नाम लायक सिंह यादव है, मैं ठेठ ही हूँ, और यहाँ तू कैसे खड़ा है? अभद्रता पर उतर आए। उन्होंने कही कि लाठी लाओ, लाठी से दौड़ाऊ उसे, लाठी लाओ। अपने बचाव के लिए जो किया जाता है वो मैंने किया। मैंने अपने इंस्पेक्टर साहब को भी बुलाया था, उन्हें भी बता दिया था, और उसने बहुत ही अभद्रता की। जब हम पिछले 22 तारीख से ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसी इस समय हमारा 16 किलो का वजन कम हो गया है, इतनी मेहनत से ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने उनसे यह भी कहा, मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को नींद नहीं है कि राष्ट्र को कैसे बचाएं, और आप इस तरह की अभद्रता कर रहे हैं। उन्होंने हद ही पार कर दी, हद
पराकाष्ठा लांग दी, बदतमीजी की पराकाष्ठा लांग दी बिल्कुल। मैंने अपने अधिकारियों को बता दिया है ये।